आज 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती है, जिसके उपलक्ष में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दीक्षा भूमि पर आए थे, जिन्होंने सभी को जयंती के उपलक्ष में शुभकामनाएं दी। गडकरी ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने देश को संविधान दिया, जिसके मार्ग पर चलकर आज समता और बंधुता देश में है। बाबा साहब आम्बेडकर महामानव थे और सामाजिक समता और आर्थिक समता के प्रेरणा स्रोत थे। आज हमारे समाज में जातीयता, सांप्रदायिकता, अस्पृश्यता समूल नष्ट होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और बाबा साहब का ये सपना हमारे समाज में आर्थिक समता और सामाजिक समता प्रस्थापित करके ही पूरा होगा। वो संविधान के निर्माते थे और संविधान जो है वो हम सब के लिए बहुत ही आत्मा जैसा प्रिय है, और इसलिए संविधान के जो साइलेंट फीचर्स है, जिसमें लोकतंत्र है, समाजवाद है, धर्मनिरपेक्षता है, फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसको ना कोई बदल सकता। ये जो मूल तत्वों को, ये हमारी सबकी बाबा साहब ने दी हुई देन है, और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि राष्ट्र के निर्माण में बाबा साहब हमें सतत प्रेरणा देते रहे।